So, hey volunteers, welcome back to our new chemistry session or you can see welcome back to our organic chemistry का नया session आज हम start करने वाले हैं। तो देखो हमने पिछले वाले session में कितना पढ़ लिया था और organic chemistry को हम कितने structures में बना सकती हैं। हमने complete structure formula पढ़ा, condensed पढ़ लिया, bond line पढ़ लिया। तो अब organic chemistry को आगे continue करके हमारा जो topic आया है that is degree of carbon in hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बेसिक बता रखा है, तो आप वहां से जाके अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो वहां से जाके आप समझ लीजिए। बाय द वे डिग्री ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये होता है कि जो कार्बन की डिग्री होती है वो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड होती है। ठीक है, कैसे? देखो डिग्री ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन, अब हम कार्बन की डिग्री फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन की डिग्री आयमाइन की डिग्री और हाइड्रोजन की डिग्री, इनकी डिग्री फाइंड करेंगे किसके थ्रू? हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास है ना ये फोर डिग्रीज गिवन है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। क्या नाम होता है इनका, अब हम वो डिस्कस करेंगे। कितने कार्बन इनके साथ अटैच होते हैं वो डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो जो 1 डिग्री होता है, जो 1 डिग्री होता है, देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फर्स्ट से स्टार्ट होके फोर्थ तक है। अब जिससे स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। उससे जो नेक्स्ट वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब ये फर्स्ट स्टेज है, मतलब ये प्राइमरी स्टेज है। उससे सेकंड स्टेज है, मतलब ये सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारा जो फर्स्ट होगा 1 डिग्री, उसका नाम क्या जाएगा? प्राइमरी कार्बन्स। क्या नाम आ जाएगा? प्राइमरी कार्बन्स। ओके, प्राइमरी कार्बन्स। जो सेकेंड डिग्री है उसका नाम क्या आएगा? सेकेंडरी कार्बन्स, सेकेंडरी कार्बन्स। और जो थर्ड डिग्री है उसका नाम क्या आ जाएगा? टर्शियरी कार्बन्स, टर्शियरी कार्बन्स। ठीक है, और जो फोर्थ आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? क्वार्टरनरी कार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम? क्वार्टरनरी कार्बन्स, मतलब जिसमें चार कार्बन अटैच हो। क्या बोलेंगे इसको? क्वार्टरनरी कार्बन्स। 1 डिग्री को प्राइमरी कार्बन्स, 2 डिग्री को सेकेंडरी कार्बन्स, 3 डिग्री को टर्शियरी कार्बन्स एंड 4 डिग्री को क्वार्टरनरी कार्बन्स। अब देखो 1 डिग्री को प्राइमरी बोल रहे हैं, सेकेंड को सेकेंडरी बोल रहे हैं, थर्ड को टर्शियरी और फोर्थ को क्वार्टरनरी। अब इनके साथ कार्बन कितने अटैच होंगे? ठीक है, कार्बन कितने अटैच होंगे? अगर हम बात करें नॉर्मल बात करें कि हमें याद कैसे रखना है कि इनके साथ कार्बन कितने अटैच होंगे, तो डिग्रीज में कार्बन के अटैचमेंट देखने के लिए जो कार्बन जितने अटैच होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनकी डिग्रीज कितनी है। ठीक है, इससे आप और भी अच्छे से याद कर लोगे कि जो कार्बन है वो कितने अटैच होंगे वो पता कर सकते हैं, जो कि जो कार्बन अटैच होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इन डिग्रीज के, मतलब जितनी ये होगी उतनी ही कार्बन की अटैचमेंट होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर 1 डिग्री है तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री के साथ कितने कार्बन हम अटैच करेंगे। अभी मैंने आपको एक याद करने की ट्रिक या फिर आप लिंक बोल सकते हो वो मैंने आपको बताई है कि डिग्री ऑफ कार्बन याद करने के लिए कितने कार्बन अटैच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके डिग्रीज के, उसकी कितनी डिग्री है उसमें। ठीक है, और जितनी डिग्री होती है उतने कार्बन होते हैं, जितने कार्बन होते हैं उतनी डिग्री होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब तो ये 1 डिग्री में कितने कार्बन होंगे? ऑब्वियसली 1 कार्बन होंगे। ठीक है, तुम क्या लिखेंगे? 1 कार्बन। 2 डिग्री में कितने होंगे? 2 कार्बन। तुम क्या लिख देंगे? 2 कार्बन। 3 डिग्री में कितने कार्बन होंगे? कितने होंगे? 3 डिग्री में 3 कार्बन। तुम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 3 कार्बन। 4 डिग्री में कितने कार्बन होंगे? 4 ही तो होंगे ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 4 कार्बन। बिल्कुल सिंपल था, है ना, बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल सिंपल ट्विस्ट के साथ हमने इसको पढ़ लिया कि हमने क्या किया, जितने भी डिग्रीज होंगे उतने कार्बन होंगे और जितने कार्बन होंगे उतनी ही उनकी डिग्रीज होगी, जितने कार्बन के साथ वो अटैच होंगे उनकी उतनी डिग्री होगी, और जितने डिग्री होगी मतलब उतने ही कार्बन उसके साथ अटैच है, मतलब वाइस वर्सा। ठीक है, अब इनका नाम थोड़ा आप याद कर लेना, फर्स्ट को फर्स्ट और सेकेंड का तो आपको याद ही होगा, फर्स्ट को प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंड को सेकेंडरी,
टर्शियरी का भी आपको पता होगा, बट ये फोर्थ नाम थोड़ा न्यू है, ठीक है, यूनिक है, तो इसको आप याद कर लेना। फोर्थ को बोलते हैं बेटा जी क्वार्टरनरी कार्बन्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि डाउट वीडियो अगली बन सके, ठीक है। ओके, चलिए अब इसमें एग्जांपल के साथ और इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो इसमें एग्जांपल में ये जो मैंने आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स की बने, ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स है, वरना मैं आपसे ही पूछती, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताते कि कौन से स्ट्रक्चर्स है, कंडेंस है, स्ट्रक्चरल है या फिर बॉन्ड लाइन है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दी, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो वो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इनसे हमें पता चलेगा कि कितने कार्बन है और इनकी कार्बन की डिग्री कितनी होगी। पहले तो हमें इसमें कार्बन काउंट करने की कितने कार्बन इसमें अटैच हुए, तो फटाफट कार्बन काउंट करो। देखो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये भी एक कार्बन ही है, ठीक है, सिक्स्थ कार्बन, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, ठीक है, टेन कार्बन है। बट हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे इसकी डिग्री टेन हो जाएगी, नो इट विल बी रॉन्ग। एक एक लाइन के में एक एक डिग्री करनी है, मतलब एक एक कार्बन की बतानी है कि इस कार्बन की इतनी, इस कार्बन की इतनी है, टोटली कार्बन काउंट करके डिग्री नहीं देखेंगे, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये कोई इसके साथ ऊपर कोई कार्बन अटैच है नहीं है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग इसी हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा वन डिग्री, क्या हो जाएगा वन डिग्री। नेक्स्ट क्या है, ये वाला कार्बन है, कितने कार्बन से अटैच है, एक ऊपर वाले कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी टू डिग्री, कितनी डिग्री हो जाएगी इसकी टू डिग्री, क्लियर हो रहा है, इसकी डिग्री क्यों टू हुई है, ठीक है। अब देखो ये जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, ये जो नेक्स्ट वाला कार्बन है इसकी डिग्री कितनी होगी, इसको ध्यान से देखो कितने कार्बन से ये अटैच है, गिन के देख लो कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और इसके साथ एक कार्बन ये भी तो अटैच है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी थ्री डिग्री। ये वाला जो कार्बन है ये इससे अटैच है बस, सॉरी ये वाला जो कार्बन है वो नेक्स्ट वाले कार्बन से अटैच होता है, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी सिर्फ टू डिग्री, कितनी होगी टू डिग्री। अगर हम मान लेते कि इसके साथ यहां भी कोई कार्बन ऐसे अटैच है तो इसकी कितनी डिग्री हो जाती थ्री डिग्री हो जाती, बट यहाँ पे कोई कार्बन अटैच नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी होगी ओनली टू डिग्री, कितनी होगी टू डिग्री, क्लियर हो रहा है ना, कॉमन है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो एक बार आप इसको देख के बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, Have you clear it? Okay. एक सेकंड, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, देखो इस कार्बन के साथ दो ही कार्बन अटैच है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है, तो इसमें सिर्फ टू डिग्री होगी। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर डबल बॉन्ड होता तो टू कार्बन अटैच होते हैं ना, उनकी वैलेंसी फिर पूरी होती है ना, तो यहाँ पे एक छोटी सी लिटिल मिस्टेक हो गई थी, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे टू डिग्री आएगी, नेक्स्ट वाले कार्बन में थ्री आएगी, उसका भी एक रीजन है, ठीक है, कैसे रीजन है, देखो इसके साथ वन डिग्री है मतलब एक ही सिंगल कार्बन से वो स्टार्ट ही हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो वन ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वन डिग्री, नेक्स्ट वाला टू डिग्री, देन फिर नेक्स्ट वाला टू डिग्री, इसके साथ भी दो ही कार्बन अटैच तो ये भी टू डिग्री। अब इस वाले कार्बन पे बात आती है, ठीक है, कि इस कार्बन के साथ कितने नेक्स्ट अटैच है, ठीक है, तो कितने अटैच है ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है एक तो ये खुद है, दूसरा इसके साथ ये अटैच है, तीसरा इसके साथ ये भी तो अटैच है ना, ये वाला, और ये भी अटैच है, और ये भी अटैच है, हम आगे चल रहे हैं, पीछे नहीं चलना होता, ठीक है, कार्बन काउंट करने में, तो आगे चलो, देखो ये वाला कार्बन इसके साथ नेक्स्ट ये अटैच है, इसके साथ नेक्स्ट ये अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तीन कार्बन से डिग्री कितनी होगी थ्री डिग्री, ठीक है, थ्री डिग्री हो जाएगी। अब ये वाला जो कार्बन है इसकी डिग्री फटाफट मुझे बताओ कितनी हो सकती है, इसकी डिग्री कितनी होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, पहले भी मैं बताऊंगी इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है, आई वांट टू चेक कि आपको ये समझ में आया है ये डिग्री, ठीक है, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई वांट टू चेक कि आपको समझ में आया, तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो मुझे पता लग सकता है कि आपको ये क्लियरली समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी थ्री वाला कार्बन समझ में आ गया आपको, इसी जो नीचे वाला कार्बन है इसकी डिग्री कितनी होगी, ऑब्वियसली वन डिग्री होगी,
क्योंकि हम पीछे नहीं चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो इसके साथ अगर मैं मान लेती कि यहाँ पे कोई और कार्बन अटैच होते, तो हम इसके मान लेते कि हाँ 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई कार्बन अटैच नहीं, तो कितनी डिग्री हो जाएगी इसकी? 1 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सॉरी नेक्स्ट वाला कार्बन देखो, ये जो कार्बन है इसके साथ कितने कार्बन अटैच है? एक तो ये खुद ही है, पीछे नहीं जाना। दोबारा मैं वही बात बोल रही हूँ कि पीछे नहीं काउंट करने, आगे सीधा आगे चलते जाओ और आगे फॉरवर्ड की तरफ काउंट करो। तो इस कार्बन के पास कितने कार्बन अटैच हैं? 1, 2 एंड 3, और एक ये खुद। तो कितनी डिग्री होगी इसकी? 4 डिग्री। बिल्कुल लॉजिकल ट्विस्ट है, बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं है। लिंक के साथ आप समझो इसको, ठीक है। बिल्कुल लिंक बना बना के समझो कि जितने कार्बन होंगे उतने ही इनकी डिग्रीज हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया 4 कार्बन कैसे हुआ, 1, 2, 3, और देखिए खुद भी तो है, 4 हो गए। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, इनके साथ कोई कार्बन अटैच नहीं है ना। नेक्स्ट मतलब पीछे नहीं जाना, नेक्स्ट कार्बन अटैच नहीं है। अगर हम मान लेते कि इसके साथ कुछ ऐसे एक कार्बन और अटैच है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो इनकी डिग्री कितनी हो जाती? फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इनकी डिग्री कितनी हो जाती, ठीक है। बट यहाँ पे कोई कार्बन अटैच नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री। नेक्स्ट कोई कार्बन अटैच नहीं है ना इससे, पीछे चाहे कितने अटैच हो, इससे पीछे तो आप काउंट करके देख सकते हो कितने अटैच है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन है, बट 8 डिग्री तो नहीं है, नहीं होगी ना 8 डिग्री। तो हमने पढ़ी है डिग्री 4 है, हमने पढ़ी ही 4 डिग्री है, तो इन्हीं में से काउंट आउट करनी है, ठीक है। तो कितनी डिग्री हो जाएगी इसकी? 1 डिग्री, इसकी भी 1 डिग्री और इसकी भी 1 डिग्री। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियरली क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ट्विस्ट लिंक के साथ समझा है ना, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल इजी है। कार्बन काउंट करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अच्छा ये भी एक कार्बन है, 4 कार्बन 5 6 7 8 9 10। मैं दोबारा फिर बोल रही हूँ, टोटल कार्बन काउंट करके आप डिग्री नहीं बता सकते, एक एक कार्बन की आपको फिक्स डिग्री बतानी होती है, ठीक है। एक एक कार्बन की कितनी डिग्री हो सकती है, क्लियर हो रहा है? इस कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से कर लो, बट यहां से बेटर रहेगा क्योंकि आगे जाना है। तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है? ये एक कार्बन ये खुद ही है, नेक्स्ट एक और अटैच है, तो कितनी डिग्री होगी इसकी? 2 डिग्री हो जाएगी। अब इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ नेक्स्ट एक कार्बन अटैच है, तो 1, 2 कितनी डिग्री होगी इसकी? 2 डिग्री। कितनी हो गई? क्लियर हुआ? अब ये जो थर्ड कार्बन है इसको ध्यान से देखो, इसकी कितनी डिग्री अटैच होगी? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक ही लाइन से जा रहे हैं ना ये ऐसे, 1, 2, 3, कितनी डिग्री हो जाएगी? 3 डिग्री, ठीक है। कितनी डिग्री हो जाएगी? 3 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन से जा रहे हैं वो, अगर लाइन सेपरेट हो जाती तो वो हम काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इसकी कितनी डिग्री होगी? 3 डिग्री। ओके, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट वाला कार्बन लेते हैं, ये वाला। इस वाले कार्बन के साथ ध्यान से देखो, आगे कोई कार्बन अटैच है? पीछे बेशक से अटैच हो, आगे देखना, में आगे कोई कार्बन अटैच है नहीं, है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी? सिंपल 1 डिग्री। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाली है, जो कार्बन बच गए इनकी डिग्री आप मुझे बताओ कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है भाई? और पहले तो मुझे ये बताओ, ये फिगर है किसकी? 6 कार्बन है, तो कितना हो गया? हेक्सागन की है, और हेक्सागन किसमें होता है? 6 कार्बन किसमें होते हैं? अरे भाई, ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ना, क्या होता है ये? बेंजीन। तो इसमें कितने कार्बन है? अरे इनको छोड़ो और इसको देखो बस, आगे वाले कितने कार्बन है? 6। तो ये क्या है? बेंजीन एक, ठीक है। बट बेंजीन यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा, अगर यहाँ पे कोई बॉन्ड होता तो ये बेंजीन बन जाता, बट 6 कार्बन तो हेक्सागन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हम डिग्रीज पढ़ रहे थे, तो इस कार्बन की बताओ मेरे को डिग्री कितनी होगी, फटाफट बताओ कि इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी। ये जो कार्बन आप देख रहे हो, ठीक है, इसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ एक ये कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन भी अटैच है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 कितने कार्बन अटैच हुए? 4 कार्बन। तो इसकी कितनी डिग्री होगी? 4 डिग्री।
बाकी जो कार्बन बचे हैं उनके पास नेक्स्ट वाले एक और कार्बन अटैच है, एक तो वो खुद है और एक नेक्स्ट कार्बन अटैच है, तो सबकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। काउंट करके देख लेना आप, 2 डिग्री हो जाएगी इसकी भी 2 और इसकी भी 2, एंड हेंस इट इज कंप्लीटेड। क्लियर हुआ बिल्कुल? यस हाँ जी क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे हमने एक बॉक्स में बनाई हो एल्कोहल की डिग्री, ठीक है, एल्कोहल की डिग्री, फिर हम पढ़ेंगे एमाइन की और हाइड्रोजन की, ठीक है। देखो फटाफट से कर लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर। देखो एल्कोहल की डिग्री, आपको पता है एल्कोहल का ग्रुप क्या होता है, OH, क्या होता है OH। अगर हम किसी भी चेन में, मतलब किसी भी हम कार्बन कंपाउंड्स की चेन में अगर हम एल्कोहल को लगाना चाहें तो वो किससे सब्स्टिट्यूएंट बन के जाएगा, वो OH का जाएगा, ठीक है। तो किससे रिलेट करते हैं इसको, OH से। सो डिग्री ऑफ कार्बन अटैच्ड विद, मतलब एल्कोहल की डिग्री कितनी होगी, जितने कार्बन उससे अटैच होंगे, ठीक है, सेम हाइड्रोजन में होता है, ठीक है, जितने कार्बन उससे अटैच होंगे। तो मुझे ये बताओ कि इस वाले से कितने कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन है ना ये वाला, तो इसकी कितनी डिग्री होगी, 1 डिग्री। ये वाला जो OH है इससे कितने कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन है, बट इस कार्बन के साथ भी, मैं फिर से दोबारा बोल रही हूँ, पीछे नहीं जाना आगे जाना है, ठीक है। 1 2 कितने कार्बन है, 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। क्लियर हुआ है 2 डिग्री कैसे हुई, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन देखो, सॉरी नेक्स्ट एल्कोहल देखो, इसके साथ कितने कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन है एक ये कार्बन है, इससे नेक्स्ट वाला देखना है, पीछे नहीं देखना, नेक्स्ट वाला देखना है, 1 2 एंड 3 कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसमें इस वाले एल्कोहल में काउंट हो चुके हैं, वो काउंट नहीं होंगे अभी, तो कितने हैं इसकी, 3 डिग्री हो जाएगी। क्लियर हुआ एल्कोहल का, बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप आई होप इसकी नोट्स बना लेना जरूर, क्योंकि बिना नोट्स के आपको ये रिकवर नहीं होगा, बार बार समझने की जरूरत है इसमें, ठीक है, और याद तो वैसे नॉर्मली हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एमाइन की। एमाइन में क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, क्या होता है एमाइन में, नाइट्रोजन। तो इसके डेफिनेशन में क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच विद नाइट्रोजन, कितने कार्बन नाइट्रोजन से अटैच है, ठीक है, कितने कार्बन नाइट्रोजन से अटैच है। देखो ये जो R है, यहाँ पे हमने ये R कोई एलिमेंट लिया है, ठीक है, यहाँ पे R कोई एलिमेंट लिया है, सिंपली यहाँ पे हम A भी बोल सकते थे, इसको B भी बोल सकते थे, सिंपली एलिमेंट लिया हमने यहाँ पे R। अब देखो ये कितने नाइट्रोजन, मतलब कितने अमाइन से अटैच है, कितने, 1 से, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री, क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। अभी जो नेक्स्ट कार्बन है, मुझे इसकी फटाफट बताओ इसकी कितनी डिग्री होगी। देखो इसमें हमारा ये एक एलिमेंट एक कार्बन से अटैच था, बट अभी यहां, सॉरी नाइट्रोजन से, अभी यहां पर कितने है, 1 2, ठीक है, ये एलिमेंट जो हमने ले रखा है ना कार्बन के वे में ले रखा है, कोई हाइड्रोजन या फिर कोई सल्फर वगैरह कुछ नहीं है, ये कार्बन के वे में ले रखा है। तो कितने कार्बन से अटैच है नाइट्रोजन, 1 से, तो 1 डिग्री। ये कितने से अटैच है, 2 से, 1 2, तो क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। अब ये जो थर्ड वाला है ये किससे अटैच है, बीच में नाइट्रोजन है, 1 2 3, 3 से अटैच है, तो डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री। कितनी होगी, 3 डिग्री, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि 1 कार्बन 1 डिग्री, 2 कार्बन 2 डिग्री 3 कार्बन 3 डिग्री एंड 4 कार्बन 4 डिग्री, ठीक है। ये तो बार बार रिपीट करोगे बिल्कुल माइंड में बैठ जाएंगे ये, ठीक है। तो इसकी कितनी डिग्री जाएगी, 3 डिग्री। क्लियर हुआ है माइंड का, क्लियर हुआ है माइंड का। या फिर हम इसको एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एन बीच में ले लिया, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओगे कि इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है। पहले कार्बन मतलब कार्बन की काउंट करो, कितने यहाँ पे एलिमेंट्स अटैच है, फिर इसकी डिग्री बताना कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा हम इसको इस साइड लिख लेते हैं, क्या पता आपको विजिबल भी ना हो, ये यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। देखो नाइट्रोजन बीच में, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो जो ये वीडियो देखेगा प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके कि हाँ आपको ये समझाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका, जितने कार्बन हमें काउंट करने, आप आंसर मेरे को बता देना, ठीक है।
अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की डिग्री, हाइड्रोजन की जो डिग्रीज होती है वो भी सेम होती है कि जितने कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि ये जो कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन से अटैच है, या फिर ये कह लो कि ये जो हाइड्रोजन है वो कितने कार्बन से अटैच है। तो ठीक है, तो एक बार आप फटाफट इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ इसके, अच्छे से समझो। ठीक है, अभी मैं रेज नहीं कर रही हूं इसे, अच्छे से नोट्स बनाओ इसके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। ठीक है, अब चलिए फटाफट देखते हैं इसका जो लास्ट एग्जांपल और ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देखो भी ये जो कार्बन है इसके साथ कितने कार्बन अटैच है, हमें तो एक भी नहीं दिख रहा आगे, क्योंकि ये तो बीच वाला कार्बन है ना, इसको तो हम काम नहीं करेंगे। देखो वन, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? वन डिग्री। हाइड्रोजन को देखना है, हाइड्रोजन कितने कार्बन से अटैच है। अगर मैं मानती हूं यहाँ पे एक सी और है तो इसकी डिग्री क्या हो जाती? टू डिग्री, क्योंकि ये हाइड्रोजन अटैच हो रखा है इससे। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? वन डिग्री। ये वाला जो कार्बन है ये कितने, सॉरी ये वाला जो हाइड्रोजन वो कितने कार्बन से अटैच है? थ्री कार्बन से। कैसे अटैच है देख लो, एक कार्बन की है इसकी वैलेंसी पूरी, एक कार्बन की है इसकी वैलेंसी पूरी, एक कार्बन की है इसकी वैलेंसी पूरी, तो कितनी डिग्री होगी इसकी? थ्री डिग्री। क्लियर हुआ? अब इस हाइड्रोजन को अगर हम देखें, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी कितने के साथ बॉन्डिंग बन रही है, मतलब कितने कार्बन से अटैच है? ये भी थ्री कार्बन से अटैच है। कैसे? वही सेम, वन टू एंड थ्री, मतलब सीधे चलती जा रही है, पीछे नहीं गए हम, आगे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कितनी डिग्री होगी? थ्री डिग्री। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, अब ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है? ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है? टू कार्बन से। कैसे अटैच है? एक ये ही कार्बन है और इससे आगे भी तो एक कार्बन है ना। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कितने कार्बन से अटैच है? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये कोई अलग एग्जांपल नहीं है, ये इसी का एग्जांपल है, इन्हीं के बीच में बॉन्ड है ये पूरा। ठीक है, ये वाला जो बीच का हाइड्रोजन है कितने कार्बन से अटैच है? एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? टू डिग्री। सिंपल था बिल्कुल, कोई डिफिकल्टी नहीं थी इसमें, तो बिल्कुल सिंपल था। देखो अब ये वाला जो कार्बन है इसको ध्यान से देखो, कितने कार्बन से अटैच है? ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, कितने हो गए? टू कार्बन। तो क्या डिग्री होगी इसकी? टू डिग्री। क्या डिग्री होगी इसकी? टू डिग्री। ठीक है, क्या होगी इसकी? टू डिग्री। या फिर आप इसको यहां से ले सकते हो, इसको छोड़ो, यहां से देखो एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन, सॉरी एक ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन कितने कार्बन से अटैच हो गया? दो कार्बन से। कितने कार्बन से अटैच हो गया? टू कार्बन से, तो उसकी डिग्री क्या होगी? टू। अब यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है इसके ऊपर कोई बॉन्ड है या फिर इसके साइड कोई बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? सिर्फ वन डिग्री। क्या हो जाएगी? वन डिग्री। क्लियर हुआ? बिल्कुल सिंपल था ये तो। ये वाला जो कार्बन है क्या इससे आगे कोई बॉन्ड है या फिर कोई ऐसे कार्बन कोई अटैच है? नहीं है ना, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी? सिंपल वन डिग्री। क्या डिग्री हो जाएगी इसकी भी? सिंपल वन डिग्री। यहां पे एक बात देखने की है, थोड़ा लॉजिक है। देखो ये जो कार्बन है इसे आगे मत देखो, ठीक है, इसे पीछे भी तो कुछ चेन अटैच है ना सब्स्टिट्यूएंट वे में, तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट वे में चेन अटैच होते हैं, मतलब एक कार्बन से भी साइड में कोई कार्बन अटैच है, तो हम इसे बैकवर्ड की चेन गिनेंगे। ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए? ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, भाई एक चेन ही तो बना रहा है ना ये CH2, फिर यहां से सॉरी CH3, ये चेन ही तो बना रहा है ना, पूरे कार्बन काउंट हो गए ना इसमें, तो पूरे कार्बन काउंट हो गए। कितने कार्बन है? वन टू थ्री, तो इसमें कितने हैं? वन टू एंड थ्री, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? थ्री डिग्री। क्लियर हुआ एग्जांपल? बिल्कुल क्लियर हुआ। ओके, सो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी टॉपिक था, मतलब अंडरस्टैंडेबल टॉपिक था, थोड़ा लॉजिकल टॉपिक था। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने नोट्स साथ में नहीं बनाए तो प्लीज इसके नोट्स साथ में बना लें, वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लेके बाद में बनाने हो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ताकि आप बाद में इसका नोट्स बना सको, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो
वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी मदद मिल सके डिग्री ऑफ कार्बन्स वगैरह को समझने की, और उनको भी हेल्प मिल सके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा लॉजिक वे में समझने की, ठीक है? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझने का सब्जेक्ट होता है, इसमें कुछ रट्टा मारना नहीं होता है, ठीक है? इंग्लिश नहीं है जो आप इसे रट्टा मार दोगे, हिंदी भी नहीं आएगी, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने की बात है, ट्विस्ट लेके समझो उसको, लिंक बनाते चलेंगे हम, ठीक है? ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपका आने वाला नेक्स्ट इसकी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।